अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूज़ियम से आए ज़िया मोहियुद्दीन साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करें डॉक्टर साहब, हूँ की कहने कुछ भी नहीं, माशाल्लाह ये बस माशाल्लाह। और सर सोटियाँ जित जित के माशाल्लाह की तबीयत हो गई है, हारना शुरू कर दें। हाँ जी, वो पंजाबी वाली कहावत सुनाई थी आपको, कावां दे कहंदे डंगर नहीं मरदे, साढ़े तिना चो कां कौन है उन्हें। वैसे सर आप पिछले वीक भी कहते रहे कि आई मिस कसौटी, आई ऑलवेज मिस कसौटी, और ये बात मैं फ्लोर पे कहता रहा हूँ खबरहार के जी, इसलिए कि कसौटी की वजह से एक इंतहाई खुशगवार तब्दीली आई है मेरी लाइफ में। वो क्या सर? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई वेंट बैक टू बुक्स अगेन, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अगेन, वरना मौका ही नहीं मिलता था, टाइम ही नहीं मिलता। री रीडिंग या फिर न्यू स्टफ? मोस्टली री रीडिंग। न्यू स्टफ इस तरह है जैसे नई फिल्म अच्छी नहीं ना आ रही, जैसे नया गाना अच्छा नहीं आ रहा, नया नॉवल अच्छा नहीं आ रहा, उसी तरह नई किताबें भी शाज़ आती हैं। कल इन्होंने फ्रीडमैन का जिक्र किया जी, के तलाश कर रहे थे फ्रीडमैन पे, वहां पे फ्लोर पे बातें हो रही थी। नहीं सर, नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स वाला। तो मैंने फौरन The world is flat, उसकी किताब का तस्करा किया, the world is flat, और ये बात फिर अब मुझे मजबूरन बतानी पड़ेगी कि ये किताब मुझे दी किसने थी? किसने? हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है किताबों का। और some of the best books I read were given to me by FSJ, और some of the best things told to FSJ were from me। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं मुजफ्फर भाई सबको बता दूं इसी हवाले से फायदा उठाते हुए कि हमारा एक प्रोडक्ट है, हम मर्चेंडाइजिंग में भी आ रहे हैं, हीली एट OMC जी। ये जो लिबास हम जेब तन किए हुए हैं इस वक्त, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ हीली एट OMC। तो हीली भाईजान रन करते हैं फ्रॉम इंग्लैंड, और लेदर में यदि तूला रखते हैं, अब आ रहे हैं फैब्रिक में भी, और इसलिए आज ही हमारी दावत पे तशरीफ लाए हुए हैं, और हम इन करीब इंशाल्लाह एक नए प्रोडक्ट के साथ जिसमें आप भी बैठेंगे, मॉडल करेंगे वो पहन के, FSJ भी इन्हीं का बनाया हुआ लिबास जो है वो ज़ेब तन करेंगे। मुजफ्फर भाई इनफ फॉर हेली एट OMC, कसौटी की तरफ आइए। शख्सियत जिंदा जी, मर्द जी, एशियाई जी, ताल्लुक साउथ एशिया से जी, बिल्कुल, पाकिस्तान से नहीं, कोई हिंदुस्तानी शख्सियत जी नहीं। हाँ, आपका ख्याल था कि हम यहाँ पे खामोश हो जाएंगे ये समझते हुए कि अगर पाकिस्तान नहीं तो इंडिया है, ताल्लुक बांग्लादेश से जी नहीं, जी नहीं, नेपाल, सारा सार्क कंट्रीज की तरफ हम जाएंगे, श्रीलंका, नेपाल, 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 या अच्छा जी, ताल्लुक नेपाल से है जी नहीं, श्रीलंका से है जी नहीं, साउथ एशिया में बाकी रह गए नेपाल और भूटान। जी जी जी, नेपाल नहीं पूछा, अभी पूछ लिया सर, नेपाल, श्रीलंका, सिक्किम रह गया। नहीं नहीं, साउथ एशिया अगर कहा है तो मुजफ्फर भाई को ये तो पता होगा कि साउथ एशिया से मुराद क्या है। I don't know कि if I can say South East Asia. Sir, South East Asia is different. I'm so sorry. नहीं, you'll have to return our questions. ठीक है, हमारे bitcoins वापस करें। जी बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। अच्छा जी, अगर ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से है तो फिर ताल्लुक मलेशिया से है जी। ये ना कहिएगा कि आपने हमसे महातिर पूछ लिया, हम बहुत मायूस होंगे। जी भी हो सकता है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ही विल नॉट गो देयर। जो चेहरे पे इनके रानाई आई है ना, वो महातिर ही है। तो को पॉलिटिशियन पूछा है आपने? जी बिल्कुल। उसकी उम्र 90 साल से ज्यादा है? बिल्कुल। आपने महातिर मोहम्मद पूछा? बिल्कुल। इतना आसान मर्जी है आपकी मुजफ्फर भाई? नहीं, इतना आसान नहीं सी होना चाहिए। जो ही आप साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं, ऑटोमेटिकली दिमाग आपका जेन जो है वो मलेशिया की तरफ जाता है। मलेशिया की जब बात होती है, एक बड़ी पर्सनालिटी जो मलेशिया की है, महातिर मोहम्मद,
जो बहुत अरसा लॉन्गेस्ट टर्म, ना सिर्फ लॉन्गेस्ट टर्म, बड़ा सिग्निफिकेंट टर्म, बड़ा इम्पैक्टफुल टर्म जी, यू नो, इन बिटवीन एक पीरियड आया जब मलेशिया दोबारा नीचे की तरफ गया जी, और मुहातिर साहब जो हैं वो 90 की एज में अब जी जी केम बैक टू अगेन हेड मलेशिया टू टेक इट आउट ऑफ दैट क्राइसिस। और मुझे याद है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे ठीक है ना, उनकी मुलाकात हुई थी, तो मुहातिर साहब की एहलिया जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ। दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स। बंदे बंदे पे डिपेंड करता है ना, सारा पेलन ने कहा था विजिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जी कि प्रेसिडेंट साहब मैं आपके साथ हाथ दोबारा मिला सकती हूँ या मैं जफी भी डाल सकूं। एंड ही डिड दैट एंड शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल। यस शी वाज वेरी अनकंफर्टेबल। वो कैंडिडेट थी बेचारी, मेरा ख्याल है अपना कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, शी वाज फ्रॉम अलास्का। अलास्का। अच्छा जी, नए चैलेंजर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईमुल हसन है जी। जी क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक लाहौर से है? पक्का। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो लाहौर में ऐसा कहाँ से है पक्का ताल्लुक? अंदरून शहर से। कौन सा दरवाजा? ये यक्की दरवाजा। यक्की दरवाजा। नईम साहब, शख्सियत जिंदा? नहीं। मर्द? जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तानी? भी। पाकिस्तानी में सर, प्री पार्टीशन। प्री पार्टीशन बिल्कुल। इंतकाल को 75 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? नहीं। 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी। तो बिटवीन 1957 एंड 1972 व्हिच मींस कि आपकी प्री पार्टीशन की कोई शख्सियत होंगी जो जिनका इंतकाल 60s में हुआ। इनका इंतकाल जब हुआ तो उस वक्त वाज ही एन इंडियन सिटीजन? नो। इंतकाल उनका पाकिस्तान बनने के बाद तो हो सकता है ब्रिटिश राज की कोई शख्सियत हो। मुस्लिम? आप पूछ लें। नईम साहब मुसलमान थे क्या? यस। ये जो पीरियड है ना 47 से लेकर 72 तक, इसके दरमियान में उनका इंतकाल हुआ। जी जी। कुड बी 50s, कुड बी 60s आल्सो। पाकिस्तान मूवमेंट के जिना साहब के जो साथी थे, जो इन्वॉल्व थे, ये उन्हीं में से हो? नहीं सर, उनके साथी ज्यादातर उनके साथी जो है ना 50s, लेट 50s, 60s, लियाकत अली खान भी हैं और वर्दी भी हैं, तो बेशुमार है। बेशुमार सियासत और हुकूमत। हाँ, उस पे ताल्लुक नईम साहब सियासत और हुकूमत से? जी। प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे तो और नैरो हो जाए। कुछ सरबराह हुकूमत थे? जी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद? या ख्वाजा नाजमुद्दीन एंड सोहरावर्दी। फिर साथ ही आ जाता है वो अपना सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा। अब सिकंदर मिर्जा का इंतकाल भी पाकिस्तान से बाहर हुआ था? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस शख्सियत का इंतकाल पाकिस्तान से बाहर हुआ। नॉट नेसेसरी। नहीं, मेरे ज़हन में जो शख्सियत आ रही है ना, प्राइम मिनिस्टर थे जनाब? जी। इंतकाल बैरूत में हुआ? नो। तो ही इज नॉट सोहरावर्दी। ठीक है, ही इज नॉट। तो लियाकत है जो वो भी लेकिन इतना ऑब्वियस हो नहीं सकता। पीछे मातर मोहम्मद हो गया। नहीं सर, मातर मोहम्मद तो फिर चलें थोड़ा सा। नईम साहब इतना हमें इजी नहीं वो। 13 questions। देखें अब नैरो डाउन करें ना, तो दो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक का डेथ जो है वो वायलेंट थी तो ऑब्वियसली, और दूसरे को सैक किया गया था। बिल्कुल। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज अयूब। Ayub Khan was not a prime minister. No, he was not a prime minister. He would never like to be. He was out. Woh itna mushkil route kyun apnayega? Assassinated in office ka pooch le. Nahi, Liaquat Ali Khan nahi, ye Khwaja Nazmuddin poochenge. Bangladesh jo us waqt ka East Pakistan. Taluq Mashriqi Pakistan se tha? No. Oh my god. 14 questions. Taluq Riyasat Karnal se tha? Ji. तो ये क्या सोचकर आपने हमसे लियाकत अली खान पूछा? मैंने कहा नईम साहब आपने पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जी शहीद मिल्लत लियाकत अली खान पूछा। जी बिल्कुल। अरे।
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम उन्होंने शुरू किया था। जी जी, रेजोल्यूशन बहुत कुछ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल, और जिसका सेहरा उन्हीं के सर है। बहुत सादा लॉ, बहुत नफीस आदमी थे, यानी ये वो लोग थे कि जो सियासत की तारीख भरी पड़ी है रैग्स टू रिचेस। बिल्कुल, चीथड़ों से लोग अमारतों तक पहुंचे। यहां पर रिवर्स था, नवाब से फ्रॉम रिचेस टू रैग्स थे। यस, और लिटरली बिल्कुल आखिरी बुनियान याद है। बिल्कुल, बिल्कुल, जब डॉक्टर ने वो जुड़ी हुई थी खून के साथ जी, तो जब वो खोलने लगे तो उसके अंदर जगह जगह सुराख थे। करनाल का नवाब था वो, तो मजाक नहीं था। अरे इंतहाई वजादार शानदार शख्सियत। उनकी वाइफ की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, राणा लियाकत अली की, अपवा जी, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो और उनका एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था एजुकेशन के लिहाज से। उसका स्लोगन था ईच वन टीच वन। अगर आप कंसेप्चुअली सोचें कि एक शख्स जो पढ़ा लिखा है वो सिर्फ एक शख्स को पढ़ा है, वाह, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लिटरेसी रेट डबल हो जाती है। जी सर, बिल्कुल सर। तो ये बड़े बहुत बड़े लोग थे। तो लियाकत अली खान की शहादत से जो चीज़ें, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ी सी तहरीक हो सकता है कोई रिसर्चर जो एक अच्छी बात को थोड़ी सी तहकीक करना चाहता है उसके ऊपर, तो ये ज़रूर करे कि 25-30 साल बाद CIA ने जब अपने पेपर्स रिलीज किए तो उसमें चंद शवाहद ऐसे मिले हैं जिनका ताल्लुक खान लियाकत अली खान की शहादत के साथ। मसलन ये एक टैलेक्स थी, टैलेक्स एक तरह की फैक्स थी उस दौर में, कि जिसमें कहा गया है कि चूंकि 3 दिन बाद छुट्टी होगी सरकारी जी, तो उस दिन हम ये मामलात निपटा देंगे। तो भाई वो तो वर्किंग डे था, छुट्टी कैसे, तुम्हें कैसे पता था कि उस दिन छुट्टी थी। ये कौम सोग में थी उस वक्त, और 3 दिन का बल्कि कई दिन का सोग मनाया गया था, तो उस दिन वाकई छुट्टी आन पड़ी एंड वीकडे पे। फिर इसी तरह ही वो क्या साजिश थी कि जिस शख्स ने मारा उसको वहीं पर, सैयद अकबर, उसको उसी वक्त मर्डर कर दिया गया जबकि उसे काबू कर लिया गया था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपको तहकीक जरूर करनी चाहिए। ऐसी ही होती हैं। जी हाँ जी हाँ, सैयद अकबर वज़न अफगान। जी वज़न अफगान, इसलिए बनी अफगाना के साथ कर दिया गया ना, कि बनी अफगाना के साथ एक इशू चल रहा था, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था, इसके कुछ और थे मुजमरात, एक ये और एक डॉक्टर खान साहब का मर्डर। ये दोनों चीजें हमारी सियासत में ऐसी हैं। तीसरा ऑब्वियसली बेनजीर भुट्टो का, आज तक हम उस गली में ही दाखिल नहीं हुए जो किसी तरफ हमें लीड करे। थॉट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर जावेद। उमर जावेद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सरगोधा से है। तो आप सरगोधा से आए हैं ऑल द वे लाहौर या लाहौर में रहते हैं? नहीं, इधर मैं जॉब करता हूँ। जी उमर जावेद साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अमेरिका से? नो सर। यानी यूरोप भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, एशिया भी नहीं है, इसी बहाने हम अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह ना करे ऑस्ट्रेलिया हो। इसलिए क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने तो जैसे क्रिकेटर्स के अलावा पैदा ही कुछ नहीं किया। अरे वाह। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है? जी सर। इज ही अ क्रिकेटर? नो सर। थैंक गॉड। एक्टर? नेक्स्ट इज शोबिज। ताल्लुक शोबिज से है? नहीं सर। नो, शोबिज से नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी नहीं है, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? शोबिज से ताल्लुक नहीं है। मीडिया? शोबिज इज मीडिया। नहीं, बिग बिजनेस भी हो सकता है, कैरी पैकर भी तो हो सकता है। कैरी पैकर तो नॉट ए क्रिकेटर। नहीं, लेकिन उसका शोबिज से ताल्लुक, उसका अपना चैनल था ना सर। चैनल था, ओनर था। चैनल ओनर का शोबिज से ताल्लुक तो होता है, वो एक्टर तो नहीं है। और उसका तो स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक था, कैरी पैकर वाज अ क्रिकेटर हिमसेल्फ। छोटा मोटा, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली हुई ना, बड़ी चेंज क्रिकेट कम्प्लीटली, तो उसने बदल के रख दी, गेम ही बदल दी, यूनिफॉर्म्स आ गए, नाइट क्रिकेट आ गई। लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं, वी कैन लूज अ क्वेश्चन। अच्छा जनाब,
कोई मीडिया की शख्सियत है? जी सर। मीडिया की शख्सियत ओनर, कोई चैनल ओनर है कोई? जी सर। इनका ताल्लुक चैनल 9 से था? जी सर। तो कैरी पैकर पूछा आपने? जी सर। अरे वाह, क्या कह रहे। Although कैरी पैकर को ये कहना कि वो शोबिज नहीं है, पर वो बिजनेस में आ जाएगा ना, मैंने भी सही कहा। आज शख्सियत बहुत सारी चीजों में आ जाती हैं। अरे कैरी पैकर जेड़ा तुसी मुझे एक लीग दा नाम या बंदे दा नाम? कैरी पैकर लीग कहलाती थी, इसका एक चैनल था कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज, उसे कैरी पैकर लीग कहते थे। चैनल 9 ये उसका ओनर था। इसने कहा कि जनाब मैं क्रिकेट की टीमें अपनी, जैसे पीएसएल है, जैसे आईपीएल, जी इसको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, चैनल 9 को राइट्स नहीं दे रहा था मैच दिखाने के, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। ओके, तो उसने कहा अच्छा फिर आओ। तो उसके पास पैसा बहुत था और उसने अपनी वर्ल्ड सीरीज शुरू कर दी और क्रिकेट बदल के रख दी। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूं रात को क्रिकेट होनी शुरू होगी जी, कलर्ड यूनिफॉर्म्स आ गए, ठीक है ना, ये सारा कुछ हुआ। एक वर्ल्ड 11 थी और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ मैचेस खेलती थी जी। वर्ल्ड 11 में इमरान खान भी थे, उसमें माइकल होल्डिंग भी थे, उसमें क्लाइव लॉयड भी थे। कैरी पैकर ने इमरान खान को ठीक ठाक इंप्रूव किया उसी गेम को। इमरान का एक्शन उसी के नतीजे में इंप्रूव हुआ जी। इमरान एक जंगजू क्रिकेटर था लेकिन क्रिकेट का शहजादा उसी में कैरी पैकर ने बना। एग्जैक्टली सर जी। नेक्स्ट कैफे पैटर्न की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील अहमद खान है। जी शकील साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक है जी डिस्ट्रिक्ट कसूर से। वाह वाह, करीब से ही आए आप। जी जी, उसे जावेदी मच्छी लेके आए हो कि नहीं? नहीं सर, आप हुक्म करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह ले आएंगे आपके लिए। नहीं नहीं, वैसे इजरा मजाक कह रहे हैं, सचमुच ना ले आइएगा। नहीं आप ले आइएगा, टेंशन जी बब्बू यार, कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे। कादे ले सर, तुसी अपने काम ते बैठे हो, मैं अपने ते बैठा। अच्छा शकील साहब, शख्सियत जिंदा? नहीं जी, जिंदा नहीं है। मर्द? जी मर्द है। ताल्लुक एशिया से? नहीं सर, एशिया से नहीं है। यूरोप से? जी यूरोप से है। मेनलैंड यूरोप से है? जी जी यूरोप से है। यूरोप मेनलैंड यानी बर्तानिया नहीं? जी जी। तो क्या सेंट्रल यूरोप से ताल्लुक है? नहीं, सेंट्रल यूरोप से नहीं है सर। फिर साउथ से ताल्लुक जनूबी यूरोप से है? जी सर। साउथ जी, सदर्न यूरोप हो गया। सदर्न यूरोप, इटली, इटली तो ग्रीस है और स्पेन है। स्पेन जो है वेस्टर्न की तरफ आता है क्योंकि स्पेन का बॉर्डर लगता है फ्रांस के साथ। पिरेनीज। जी जी जी, पूछ लें स्पेन। ताल्लुक ग्रीस से है भैया? नहीं सर, ग्रीस से नहीं है। स्पेन से? जी स्पेन से ताल्लुक है सर। स्पेन से ताल्लुक फ्रांको है। फ्रांको इज अ नोन पर्सनालिटी। इट कुड आल्सो बी इन द बैक, जो आपका अंडलुसिया जो है उसका, जो अंडलुसिया में फर्दिनंद हो सकता है, काउंट जूलियन हो सकता है, और आपके वो जो है मुसलमान खलीफा सर, वो तो अब्दुर्रहमान दाखिल, अब्दुर्रहमान अव्वल। बिल्कुल। अब आ जाए उस पे, स्पोर्ट्समैन है या नहीं सर? इंतकाल को इरा। तो फ्रैंको, फ्रैंको तो अभी कल की बात है सर। 50s है, 50s है, 50s या 60s, 50s है। फ्रैंको नहीं पूछेंगे शकील साहब, ठीक है? पूछ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, हु नोस, पूछ लेना। इंतकाल को नहीं, सियासत और हुकूमत नहीं सर, ये सारे सियासत और हुकूमत के हैं, सिवाय फुटबॉलर्स के। इस इलाके से या शायर हैं, अदीब हैं, बिल्कुल, और जिन्हें पिकासो, जिन्हें पूछेंगे नहीं है, पिकासो को अलबत्ता पूछ सकते हैं, पिकासो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक होगा, पूछे। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से भैया? नहीं सर, नहीं। आर्ट एंड कल्चर से है? जी आर्ट से ताल्लुक है। पेंटर है? टूरिज्म। जी सर पेंटर है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की वजह से जाने जाते हैं? यस सर। इनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है, गुर्निका। जी जी सर। आपने पैब्लो पिकासो पूछा है। जी सर।
इनका जो है ना जी जो तुर्रा है इम्तियाज साहब वो क्यूबिज्म जी 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 यू नो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तो एक फॉर्म है जी बट क्यूबिज्म जो है वो पिकासो की तख्लीक थी जी 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 जो फिगर्स को जो है वो ज्योग्राफिकल क्यूब्स में बना वो डिवाइड करके बनाते थे और गर्निका की जो पेंटिंग है वो बहुत मशहूर है क्योंकि 1936 की आई थिंक 35 या 36 की है जब स्पेन में सिविल वॉर हो रही थी जी। और जर्मन्स जो हैं लुफ्टवाफा उनकी जो एयरफोर्स थी उन्होंने इस शहर पे अटैक किया था तो उस तस्वीर में वो जो पेन है वो डिपिक्ट की हुई थी जानवरों की भी तो घोड़े भी थे उसमें लोग भी थे उसमें कि वो गुवर्निका का शहर था वहाँ पर उसने क्योंकि जर्मनी जो है वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा था और वो ट्रेन करना चाह रहा था अपनी एयरफोर्स को इसलिए वो सिविल वॉर में फिर इन्वॉल्व भी हुए थे उन्होंने ट्रुप्स नहीं भेजे थे एयरफोर्स उन्होंने भेजी थी। अच्छा पिकासो को हरगिज उसकी जिंदगी में अहमियत नहीं मिली जी। ये भी उन लोगों में शामिल था काफ्का की तरह जिनको मरने के बाद दरखोरे इतना ही नहीं समझा और वक्त ऐसा था फिर कि जब उसकी आखिरी एज आना शुरू हुई जी। तो उसकी एक अजीजा ने पूछा कि तुम कैसे पेंटर हो कि तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। उसने कहा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये इतनी महंगी है और वक्त वक्त की बात बिल्कुल। एक प्रोग्राम में हमने ये भी बताया था कि जब मोनालिसा पेंटिंग चोरी हुई जी तो पाब्लो पिकासो पे शक किया गया था। तो अब नेक्स्ट कसौटी जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फहद अयूब है जी। फहद साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी लाहौर से। अच्छा फहद साहब शख्सियत मर्द जी सर। जिंदा जी सर। एशियाई? एशिया से भी है सर। एशिया जब हम कहते हैं फहद साहब तो साउथ एशिया से है जी सर। साउथ एशिया में पाकिस्तान? नहीं सर। इंडिया? जी सर। दूसरा एस्टैब्लिश करें यूरोप है ब्रिटेन है? हाँ जी उसकी तरफ कर दें सर। मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन ही होगा लेकिन अमेरिका भी हो सकता है। सवाल कितने हुए जी? सर 6 सवाल। दूसरा ताल्लुक इनका यूरोप से है जी सर। अगर यूरोप से है तो मेनलैंड यूरोप से? नहीं सर। बर्तानिया से हो गया। कोई नहीं सवाल जाया किया लेकिन समझ आ गया। पे आज इज ये स्पोर्ट्समैन फहद साहब? नो सर। फहद साहब इनका ताल्लुक शोबिज से है? नहीं सर। 10 सवाल। 10 सवाल। सियासत और हुकूमत राइटर लिखारी तो इल्म फजल? इल्म फजल से ताल्लुक है भैया? नहीं सर। नहीं सर। शाह जी पाकिस्तानी नहीं है इंडियन है जिंदा है? पहले सर नैरो डाउन करें सवाल बड़े ज़्यादा हो रहे हैं। शोबिज नहीं है जी सर। शोबिज स्पोर्ट्स और इल्म फजल ये नहीं है। अब हमारे पास रहेगी सियासत और हुकूमत। सियासत? अच्छा जी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है जी सर। जी सर सियासत और हुकूमत हमेशा आपका पहला सवाल होता है। हाँ राहुल की तरफ जाइए सर। राहुल गांधी जी व्हाई नॉट डजंट ही क्वालिफाई? हाँ ही डज। ही इज एन इंडियन ही इज अ मैन एंड ही इज अलाइव ऑल थ्री क्वालिटीज। राहुल की वालदा इटालियन है ठीक है? शी इज इटालियन। हिज पेरेंट्स वेंट टू ऑक्सफोर्ड टुगेदर और कैम्ब्रिज दे गॉट मैरिड देयर। यस। सियासत और हुकूमत उम्र का तयन करें सर। इस वक्त की सियासी शख्स इस वक्त भी वो यकीनन सियासत में होंगे ठीक है 35-40 years? देखें एक सेकेंड आप नैरो डाउन करते हुए ये क्यों ना हम पूछ लें कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है? हाँ ठीक है। ही इज नॉट कांग्रेस पार्टी का लीडर है। कांग्रेस पार्टी तो हुकूमत का तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ बिल्कुल। तो बीजेपी की शख्सियत हो सकती है ठीक। अच्छा जनाब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो? नो सर। इस वक्त तो हुकूमत का हिस्सा नहीं। दैट मींस ही इज नॉट बीजेपी। सॉरी बीजेपी वाइप आउट निकल गई कांग्रेस पे आज। ताल्लुक कांग्रेस से है? यस सर। शशि थरूर भी है असल बंदा तो वो yes, है हीरो ऑफ डार्कनेस। हीरो ऑफ डार्कनेस। हीरो ऑफ डार्कनेस प्लस वेरी फेमस ऑक्सफोर्ड। क्यों जी डिड ही गो टू ऑक्सफोर्ड? यस सर। इज द राइटर इज अ
पॉलिटिशियन देखिए मैंने इल्म व फजल कहा था और अगर फहद साहब अगर शशि थरूर का ताल्लुक इल्म व फजल से नहीं है तो फिर बबू राणा का है मेन वजह ताल्लुक नहीं जी उसकी वजह शोहरत इल्म व फजल है सर यूएन का वो रह चुका है नो सफीर रह चुका है बिग थिंग इज हिज बुक्स ये शशि थरूर पूछा भैया आपने जी सर वैसे पर्सनालिटी जबरदस्त थी जबरदस्त लेकिन आपको कहना चाहिए था कि इल्म व फजल से भी ताल्लुक है ही इज अ राइटर वो हमें और परेशान करती बात नहीं है वो बिल्कुल लेकिन अ वेरी गुड राइटर एंड एक्सीलेंट ऑरेटर जी मैं उनकी ऑरेटरी से ज्यादा मुतासर बिल्कुल नेक्स्ट चैलेंजर बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम क्या है अकमल अली अकमल साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है गुजरांवाला अच्छा जनाब शख्सियत जिंदा नो सर मर्द नो ओ वेरी गुड वाओ गुड फॉर अ खातून बहुत खुश हुए खातून के नहीं बिल्कुल इसलिए कि मर्द 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 अच्छा कोई खातून भी हो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जनाब साउथ एशिया ताल्लुक एशिया से नो सर यूरोप से यस सर एक यूरोपी खातून जो जिंदा नहीं है मशहूर मशहूर मोटी मोटी जो है ना विक्टोरिया मलका एलिजाबेथ जोन ऑफ आर्क एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैं आपको मोटी मोटी गिन के वो बता रहा हूँ मैडम क्यूरी हम कर चुके हैं गिन के नहीं गिनती की बता रहा हूँ इसलिए कि है ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से मेनलैंड यूरोप फ्रांस से ताल्लुक है यस सर ऑर्लियंस से ताल्लुक है यस सर सात सवाल बिल्कुल इनको इनके बिलीफ पर इनके नजरियात पर इनकी स्ट्रगल की वजह से जिंदा जला दिया गया था यस सर जोन ऑफ आर्क वॉच यस सर आप कसौटी छोड़िए आप ये बताइए गुजरांवाला में चिड़े अब भी उसी साइज के हैं या सूख गए हैं या जिया साहब के साइज के हैं शी वाज अ वॉरियर ठीक है ना वो उसने लीड किया था उसने लीड किया था अगेंस्ट द क्राउन यस ठीक है ना वो उसका प्रोटेस्ट था एंड शी डाइड इन वेरी यंग एज शी डाइड इन वेरी यंग एज शी वाज ओनली 19 सर द फेमस वर्जिन ऑफ ऑर्लियंस जी ये उसका नाम है क्वीन ऑफ ऑर्लियंस इसलिए अमेरिका में जो ऑर्लियंस है ना उसको न्यू ऑर्लियंस कहते हैं न्यू ऑर्लियंस बिकॉज़ वो भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस फ्रेंच एरिया होता है साउथ था ना साउथ है जोन ऑफ आर्क बाद में शी वाज रेज्ड टू सेंटहुड जी बाय द पोप और इस पे किताब आई थी ऑर्लियंस की कमवारी ये यानी तर्जुमा था उसका द वर्जन ऑफ ऑर्लियंस तो बड़ी शानदार खातून और जो दिलचस्प बात है इस हवाले से जो होनी चाहिए कि इसको विच करार देकर इसको एक जालिम और एक बड़ा मिजरेबल कैरेक्टर करार देकर जिंदा जला दिया गया और पॉस्टमस रीट्रायल हुआ And she was a और पहली पेशी पे ही उसको एक्सोनरेट किया गया। इसका कोई कसूर नहीं था इसको ड्रैग किया गया था मुझे नहीं समझ में आ रही आज आप लोग बहुत ज्यादा को पढ़ लिख के लायक हो गए हैं या बता तो दिया है किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं दोबारा वी हैव स्टार्टेड रीडिंग दैट्स व्हाई वी लव कसौटी मोर बढ़िया किताबें चोरी करनी है पहले तो अब नेक्स्ट कसौटी जी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मेरा नाम जुबार है जुबार साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है लेकिन मैं रहता आयरलैंड में हूँ जब्बार साहब शख्सियत जिंदा नो सर मर्द यस सर एशियाई नो सर एशियाई नहीं तो फिर बर्तानवी यूरोपी आयरिश नहीं लेकिन हमें पहले यूरोप से आना चाहिए अनड्यू एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए जब्बार साहब इजी या यूरोपियन यस सर ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से यस सर दैट मींस बर्तानिया से नहीं नहीं ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से नो सर सदरन यूरोप से है यस सर जनूबी यूरोप से इटली स्पेन ग्रीस पोर्चुगल
ताल्लुक भैया इटली से है? नो सर। ग्रीस से है? नो सर। स्पेन से है? यस सर। सवाल क्या वजह है? दूसरी शख्सियत स्पेन की। अब स्पैनिश सिविल वॉर भी है। स्पैनिश राइटर्स, स्पैनिश बड़ा फेमस अर्माडा था। लेकिन सर अर्माडा में कौन किंग था ना? चार्ल्स। नो, स्पेन का था। पर्सनालिटीज ऐसी वो नहीं सर। मे बी ही इज अ स्पोर्ट्समैन, मे बी ही इज अ शोबिज गाय। बिल्कुल। हीरा इंतकाल को 50 साल से ज्यादा, 25 साल, 100 साल इंतकाल को जब बार साहब 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। अब आ जाएं 1922 से आगे। सर 1922 से उरे? हाँ बिल्कुल। तो फ्रांको 50 साल, एक तो फ्रांको बनता है, फ्रांको इज देयर। फ्रांको एक बड़ी तगड़ी पर्सनालिटी है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। तो सर फिर पहले तो वो एरा डिटरमिन करें या फिर उसकी वजह शोहरत डिटरमिन करें या हीरो पे रहे 50 ईयर्स पे कर दें ताकि हमारे पास ब्रैकेट आ जाए। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। रीसेंट 13 क्वेश्चंस। दैट मींस 1972 के बाद अभी तक हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि उसका ये रीजन ऑफ फेम क्या है। अभी हमने वो नहीं पूछा, इल्म व फजल नहीं पूछा। इल्म व फजल राइटर्स तो सर ज़्यादातर राइटर्स जो स्पेन के दो एक राइटर्स हैं, बाकी सारे तो सदरन या साउथ अमेरिका के। तो इसलिए गैब्रियल गार्सिया मार्केज हो गया, पाब्लो नेरुदा सर वो तो साउथ अमेरिकन है, गार्सिया लोरका। भैया ताल्लुक इल्म व फजल से है? नो सर। खैर शोबिज से है? नो सर। शोबिज से सर उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट ताल्लुक हम कह सकते हैं। इनडायरेक्ट ताल्लुक शोबिज से। इनडायरेक्ट की मैं फिल्म देखने जाता होगा। स्पोर्ट्स हमने नहीं पूछा अभी। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? नो सर। सियासत हुकूमत साइंस टेक्नोलॉजी सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया और बिग बिजनेस रह गया। बिग बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्राइम स्पेनिश माफिया भी तो है ना, सेंट्रल अमेरिका वाले हैं जो स्पेनिश माफिया हैं, या आपके जो हैं एस्कोबार वगैरह इनका ओरिजिन। जी जी वो तो जाहिर है, वो तो कोलंबिया है ना। बिल्कुल। वजह शोहरत अगर समझ आ जाए जय हमें तो कितने सवाल हुए? 16 questions. ओह माय गॉड, यू आर इन रेड जोन सर। वी आर इन रेड जोन, वी आर इन ट्रबल। अच्छा जी एक बड़ी हमारे पास वाहिद जो रे ऑफ होप है ना वो एक इनडायरेक्ट ताल्लुक शोबिज से इनडायरेक्ट। अच्छा और इल्म फजल से नहीं है। ये ज्यादा दिलचस्प बात है कि स्पेनिश और एरा जो है 72 टू 2022 तो वो भी हम थोड़ा सा और नैरो डाउन कर सकते हैं। हो सकता है बहुत ही रीसेंट हो, वेरी रीसेंट। हाँ जेन में कुछ हो तो बात बनती है। बहुत ही रीसेंट नहीं, वो भी स्पोर्ट्स है। अब पता क्या, 4 बिटकॉइन यहाँ से रिवर्स करें, आप 21 से पीछे जाएं, स्टार्ट सिफ्टिंग देम आउट 21। अभी तक हमने ये डिटरमिन नहीं किया कि उसका असल उसकी जो है क्लेम टू फेम क्या है। दो चीजें रहेंगी, एक बिग बिजनेस रह गया और एक आपका रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दो रह गए। क्वेश्चंस 4 bitcoins. कोई बात। रेड जोन मैड्रिड बार्सिलोना की वजह शोहरत, इनडायरेक्ट ताल्लुक है। कोई टेररिस्ट भी हो सकता है सर, इंटरपोल से मुतालिक कोई शख्सियत? नहीं। इंटरनेशनल क्राइम से मुतालिक कोई पूछे? कोई मनी हाइस्ट के साथ इफ एनीथिंग रिंग्स अ बेल इन योर माइंड, जो उसका डायरेक्टर है, जो उसका राइटर है? वो शोबिज है, शोबिज के साथ इनडायरेक्टली ताल्लुक, वो भी शोबिज भी है और इल्म व फजल भी है। हाँ इल्म व फजल भी है, शोबिज भी। मोस्ट लाइकली ये इसी तरफ है, इसी को पकड़े। जब्बार साहब ताल्लुक क्राइम से है? नो सर। वाह जब्बार साहब, वेरी गुड। तुसी नो दी ट्राली स्टाई। 17 सवाल।
17 सवाल एंड वी स्टिल हैवंट डिटरमाइंड हिज एरिया फील्ड व्हाट अ चैलेंज वेर अ वेरी रियल चैलेंज अभी तक हमने ये नहीं डिटरमाइन किया बिग बिजनेस रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया अच्छा सर कोई पेंटर रीसेंट नहीं जो रीसेंट हाँ इंतकाल हुआ स्कल्प्टर पेंटर ताल्लुक सर सिर्फ स्पेन से नहीं है हमने ये किया कि उनका जी स्पेन से ताल्लुक वजह शोहरत उसका जंपल जो है ना वो स्पेन ही है इसके लिए दो मिनट कंसंट्रेट करें अर्नेस्ट हेमिंग्वे के क्रिएटेड कुछ कैरेक्टर्स में कुछ रियल लाइफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे आल्सो डाइड इन द 60s ठीक है ना वो तो पहले डाइड बट ही इज नॉट स्पेनिश उसने स्पेन भी लिखा जरूर लिखा जरूर ना फॉर होम द बेल स्टोल वो उसने लिखा है जिस पे उसको नोबेल मिला था वो तो ओल्ड मैन इन द सी था इट हैज टू बी समथिंग समबडी वी नो यस वी डेफिनेटली नो बट वी डू नॉट नो द इंट्रिकेसीज इन्वॉल्वड इन इट नाम भी ज़हन में नहीं आ रहा बहुत ही कोई औखा बंदा पूछे नहीं नहीं बंदा बहुत सौखा है हमें उसकी वीविंग में प्रॉब्लम हुआ है कि हम कोई एक थ्रेड मिस कर गए एक थ्रेड जैसे मदाम तुसाद का बिल्कुल एक चीज मिस हो गई थी कि वो फ्रेंच थी सर अब फिर वाहिद रे ऑफ होप यही है कि उसका एरिया के ऊपर फोकस कर दें तो समझ आ जाएगी एरिया क्या है क्योंकि हमने सारे देखें हमने सारे तो खंगाल दिए उसमें से एक भी नहीं है नहीं सिर्फ बिग बिजनेस है जो अभी तक हमने नहीं किया बिल्कुल इवन क्राइम कर चुके हैं बिल्कुल कर चुके बिग बिजनेस तो बिग बिजनेस आप ज़हन में लाइए कि कौन को बहुत बड़ा बिजनेसमैन को बिग टाइकून ऑफ मॉडर्न टाइम्स जो रिसेंटली जिसका इंतकाल हुआ हो जिसकी कोई अंपायर हो बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिलियंस ऑफ यूरोज कोई टॉप बैंकर मॉडर्न कोई कंप्यूटर की पर्सनैलिटी नहीं स्पेनिश मंगन वाला हो मशहूर सर ये कोई मशहूर शख्सियत है और हमें नहीं पता कि इज फ्रॉम स्पेन बात खत्म बिल्कुल ऐसी है अब आप मशहूर शख्सियात को पकड़े कि वो हो जो खैर वो भी एक्ट वो तो शोबिज है एक्टर है जो है क्या नाम है आपका जो उसमें डेस्पराडो में था स्पेनिश एंटोनियो बैंडेरास हाँ बैंडेरास हुकूमत से भी थोड़ा सा ताल्लुक है शोबिज से भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट ताल्लुक है विच मीन्स ही कुड बी ओनर चैनल मीडिया हाउस मीडिया जर्नलिज्म भी नहीं है मीडिया जर्नलिज्म ही नहीं है ना उन्होंने वो भी नहीं है वो भी नहीं है देयर आर टू एरियाज एक बिग बिजनेस एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दो रह गए हमारे बिग बिजनेस से पूछे सर फिर जान छुड़ाए पूछे जवाहर साहब बिग बिजनेस से ताल्लुक है इनका नो सर ये भी असर नहीं किया तो बड़ी मशहूर चेन को बड़ा मशहूर चीज जिसका वो कैरेक्टर है तो सैंचो पांजा इज अ कैरेक्टर बट सैंचो पांजा वाज नॉट उसूली तौर पर जब बार साहब आप जीत चुके हैं हम सिर्फ अपनी मेमोरी जॉग करते करते के अपना आपको डी रस्ट कर रहे हैं कि इसी बहाने को थोड़ा सा रंग रंग थोड़ा सा हमारा उतर जाए कोई ग्रीजिंग हो जाए हमारी अच्छा जबार भी ना पूछ के पछता रहा कि मैं कितने जाना सी उठो भी रहा राइटर शाइटर तो हम पूछ चुके हैं चुके हैं जो नहीं ना बिग बिजनेस तक हम भड़का चुके हैं कोई भी नहीं तो फिर फैशन वर्ल्ड हमने फैशन वर्ल्ड ही रह गया ना रह गया लास्ट क्वेश्चन डिजाइनर पूछने पहले गेट डन विद इट जी जब्बार साहब कोई मशहूर डिजाइनर है नो सर वाह जस्ट टेक अ नेम रैंडमली लेट्स गिव अप ग्रेसफुली यस जी जब्बार साहब वी सबमिट स्पेनिश पेंटर है सल्वाडोर ओ सल्वाडोर डाली वेरी बिग नेम बहुत जबरदस्त आपने मनी हाइस्ट का नाम भी लिया हाँ वो मास्क डाली मास्क डाली मास्क ये भी कहा कि किसी पेंटर भी कहा आपने थ्रेड मिस किया है जी जी मैंने कहा था एक एक धागा मिस हुआ है बिल्कुल वेरी गुड पर्सनालिटी जी वेरी गुड पर्सनालिटी क्या बात
टू इयर्स ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।